Okay, so for example, 17.64 is a decimal number and I have to find its square root. मेरे को उसका square root निकालना है. Similar step से ही अपने वो जाना है जैसे हमने division method में किया. इसको भी हम division method से will try to find out its square root. Okay, so 17.64. Okay, place it inside it. Okay, place bars from right hand side. Similarly, आपको आपको फिर वैसे ही कुछ समय के लिए आप भूल जाओ डेसिमल है. इग्नोरिंग द डेसिमल आप इसको डिवाइड बाय अ स्क्वायर नंबर. सो अगर मैं पहला बार लेता हूँ 617 है तो 17 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है. अगर 1 का स्क्वायर लेता हूँ इट विल कम आउट टू बी 1. 2 का स्क्वायर लेता हूँ इट विल बी 4. 17 से अभी भी लेस है. 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16. 16 भी 17 से छोटा है. नेक्स्ट नंबर इज 5. 5 का स्क्वायर इज 25. तो 25 इज ग्रेटर देन 17. सो आई कैन नॉट टेक 5, आई विल टेक 4. 4 4s आर 16. रिमाइंडर इज 1. 6 4 वुड बी कैरीड डाउनवर्ड्स. आई विल ऐड दिस 4. ओके, जस्ट लाइक द डिवीजन मेथड एंड ऑन एडिशन आई एम गेटिंग 8. सो नाउ आई हैव टू डिवाइड 164 विथ a two digit number which has 8 at its tens place, jiske tens place pe 8 hai, mujhe usse divide karna hai ise. So what will I do? Either ab yahan pe iske unit digit pe 4 aa raha hai, to either it will be its square root will have either mein 8 aayega ya fir 2 aayega. Yahan par na yahan dash pe ya to 8 aayega ya fir 2 aayega. So agar main sabse pehle 2 se hi start karta hu, 82 2s are 164. तो 82 2s पे 164 आ जाए. बस आपको यहीं पर ध्यान रखना है, यहीं पर ध्यान रखना है, क्योंकि 16 के बाद ये जो नेक्स्ट नंबर है डेसिमल वाले हैं, तो यहां पर आपको डेसिमल लगा देना है. बस यहीं आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू प्लेस द डेसिमल आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर 4, क्योंकि इसके बाद डेसिमल आ गया. तो 82 2s आर 164, रिमाइंडर इज 0. सो 17.64 का स्क्वायर रूट इज 4.2. इसका स्क्वायर रूट विल बी 4.2. सेम वही करना है, बस जहां से आपका डेसिमल स्टार्ट हो रहा है 4 4 16 किया, इसके बाद से आप देखो यहां से डेसिमल स्टार्ट हो जाए तो ऊपर भी डेसिमल आप प्लेस कर दो क्वेश्चंट में. ठीक है, प्लेस द डेसिमल इन द क्वेश्चंट ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5.76. यस, डू इट क्विकली, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 5.76. आया किसी का 5.76 का स्क्वायर रूट? ओके, सो वन स्टूडेंट हैज गॉट द आंसर. फाइन, सो 2.4 इज द करेक्ट आंसर. 2.4 इज द करेक्ट आंसर. जिनका नहीं आया है, आई होप आपने ये वाला नोट डाउन कर लिया होगा. 5.76 का देखते हैं. अगर मैं आपको 5.76 बोल रहा हूं, राइट हैंड साइड से आपने बार लगाया, बचा 5. फिर से आप इसको सीधे 1 का स्क्वायर इज 1 व्हिच इज लेस देन 5, 2 का स्क्वायर इज 4 व्हिच इज लेस देन 5, 3 का स्क्वायर इज 9 व्हिच इज ग्रेटर देन 5. So, मैं 2 का स्क्वायर लूंगा, आई विल टेक द स्क्वायर ऑफ 2. 2 2s आर 4. ये 2 ऐड भी करना है मुझे जो क्वेश्चन में आया है. ठीक है, रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 1. नाउ दिस 76 वुड बी कैरीड बिलो. सो आइदर
it is having 6 at the units place. So either I will have 4 or I'll have 6. So if I am taking smallest number 4, 44 into 4 is 4 fours are 16, 4 fours are 16 and 17. So it's coming out to be true. It's coming out to be true. So what will happen? Kya karna hai mere ko? I will take 4 here. ठीक है और यहाँ डेसिमल लगाना है क्योंकि 2 के बाद डेसिमल तो डेसिमल विल कम आउट होगा ठीक है सो स्क्वायर रूट इज 2.4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5.76 आई होप इट्स क्लियर टू यू ठीक है चलो अब आगे प्रैक्टिस करते हैं ठीक है एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट एस्टिमेशन अपने को करना है स्क्वायर रूट का अब इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे ठीक है नियरेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट होल नंबर नियरेस्ट होल नंबर पे अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी ठीक है आई हैव टू फाइंड द वैल्यू इन ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर सो व्हाट विल आई डू 80 है अब 80 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है नियरेस्ट स्क्वायर टू 80 के पास ऐसा कौन सा नंबर है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है व्हिच इज नियर टू 80 करण इज सेइंग 64 क्या 64 कोई और स्क्वायर नंबर नहीं है जो 80 के क्लोजेस्ट है समवन हैज टोल्ड 81 अब बताओ 64 और 81 में व्हिच वन इज नियर टू 80 81 इज नियर टू 80 ओके तो और 81 का स्क्वायर रूट कितना है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81 नहीं ग्रेटर ग्रेटर स्मॉलर बिल्कुल ग्रेटर स्मॉलर दोनों चलेगा जो सबसे पास में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो दोनों ले सकते हो कोई इशू नहीं है ग्रेटर स्मॉलर कोई भी ले सकते हो जो सबसे पास में है चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो हमें उससे मतलब नहीं है तो स्क्वायर रूट 9 आ रहा है तो 81 का स्क्वायर रूट 9 है तो इसका मतलब 80 का स्क्वायर रूट भी राउंड ऑफ होकर 9 के आसपास ही आएगा बस यही है इट्स स्क्वायर रूट विल बी 9 यही अपने आपको एस्टिमेट करना है आपको एस्टिमेट मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहे हो एस्टिमेशन कर रहे हो यू आर एस्टिमेटिंग ठीक है आंकलन कर रहे हो नियरेस्ट इसके पास क्या होना चाहिए ठीक है तो आप कोई दो होल नंबर उठाना ठीक है जैसे अभी आपने क्या कहा 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 9 का स्क्वायर इज 81 तो इट मींस 80 जो है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है लेकिन इट इज क्लोजेस्ट टू द स्क्वायर ऑफ 9 9 का स्क्वायर का क्लोजेस्ट है तो इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट है इट विल बी क्लोजेस्ट टू 9 ठीक है यही आपको एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है अब 1000 का देखो नियरेस्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर देखो 1000 का कौन सा आ रहा है स्क्वायर्स तो आपने मेरे ख्याल से कहां तक याद किए 20 तक याद किए होंगे 20 तक का तो 400 होता है आगे चलो 30 का स्क्वायर शायद 900 होता है 30 का स्क्वायर 900 होता है 31 का स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है एक बार टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 31 का स्क्वायर कितना आ रहा है टेल मी नियरेस्ट हाँ नियरेस्ट आप देखो ऐसे कौन से दो स्क्वायर नंबर के बीच मारा पहला काम तो आपका ये है कि ये कौन से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच मारा 31 का स्क्वायर इज 961 ओके 1000 के क्लोजेस्ट है 32 का स्क्वायर देखो व्हाट द स्क्वायर ऑफ 32 का स्क्वायर कितना है टेल मी द स्क्वायर ऑफ 32 1024 32 का स्क्वायर इज 1024 अब आपका 1000 अगर मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा यहां पर 961 है यहां पे 900 है यहां पर 1100 है ठीक है तो बताओ और 961 लगभग यहां आएगा 950 से आगे और 1024 लगभग इससे पहले आएगा 1024 तो इनमें से किसके ज्यादा करीब आ रहा है 1024 के कि 961 के 1024 के ज्यादा क्लोज है इसके पास ज्यादा है बड़ा हो छोटा हो हमें उससे मतलब नहीं है ठीक है इट इज क्लोजर टू 1024 और 1024 किसका स्क्वायर है 32 का ठीक है सो इट्स एस्टिमेशन वुड बी 30 आई होप ये क्लियर है आप सबको ठीक है कैसे करोगे इसको पहले आप लिखोगे कि 1000 इज लाइंग बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 31 एंड 32 ठीक है बट 1000 इज मोर क्लोजेस्ट टू 1024 सो इट्स स्क्वायर
would be estimated to be around 32. In this manner, you have to do. ऐसे आपको करना है. Clear है? It's very clear to you. Easy है. ठीक है. अब कुछ word columns हम लोग करेंगे जो पहले रह गई थी. एक दो word columns करेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये बाकी क्वेश्चंस आप कर लो. दो पार्ट तो मैंने किए हैं. एटलीस्ट तीन पार्ट तो आप लोग करो. थ्री पार्ट्स आप लोग करो. ठीक है. तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल से भी कोई इशू नहीं है. वही सी पे ही है. और यस, तो हमने 5607 कर लिया था वाला. और इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का. एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे. फाइंड द लीस्ट नंबर. क्वेश्चन नंबर 3. यस, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. पहले अपने को, अब अपने को ये बता दिया गया कि 1300 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो हम ऐड करेंगे. तो अब एक काम करो, इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालो. परफेक्टली तो नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. डिविजन मेथड से फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट. ठीक है, और बताओ कि रिमाइंडर क्या आ रहा है. टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर. सो 1300 का जब आपने स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास किया, 0 0 आया, 3 3s are 9, 4 रिमाइंडर बचा, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड डाउनवर्ड्स गए, 400 बचे. ठीक है, ठीक है. इस 3 को हमने ऐड किया, 6 हो गया. तो अभी नियरेस्ट क्या होगा, 400 में तो कोई आ ही नहीं पाएगा. जैसे इसने 0 करने की कोशिश की, तो 60 को 0 से करोगे 0 ही आ जाएगा. तो अपने को ऐसा नंबर लेना है जो 400 के पास आए. तो 65 × 5 करता हूँ मैं. 65 × 25 5 6 = 30 32. 325 आ रहा है, अभी भी ज्यादा क्लोज नहीं है. 66 से करते हैं, 6 6 = 36 6 6 = 36 39. 396 आ रहा है जो सबसे पास में है इसके. क्योंकि अगर 67 को 7 से करूंगा तो 400 के ऊपर चला जाएगा, 400 के ऊपर चला जाएगा वो. ठीक है, तो यही क्लोजेस रहेगा. तो ऐसे ही मैंने कहा ना, हिट एंड ट्राई मारना है आपको. ठीक है, जीरो गलती से मत करना, ऐसे उसने मिस्टेक की है. 66 6 आया 396. ठीक है, तो रिमाइंडर इज 4. अब इसका ये मतलब है कि इसके जो सबसे नियरेस्ट स्क्वायर, इससे कम वाला कौन सा नंबर है. 1300 - 4 = 1296. ये एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा जो उससे छोटा है. ठीक है, और ये किसका स्क्वायर आया था, किस नंबर का स्क्वायर था ये. दिस वाज द स्क्वायर ऑफ व्हिच नंबर. ये 36 का स्क्वायर था. दिस वाज द स्क्वायर ऑफ 36, राइट. अब लेकिन बेटा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैसा कौन सा नंबर है जिसको हम इसमें ऐड करें. ठीक है, ये तो कम आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, 1300 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1296 है. ठीक है, जो कि 36 का स्क्वायर है. 1300 से बाद का कौन सा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बताओ किसका स्क्वायर नंबर होना चाहिए. 1300 से पहले 1296 था जो कि 36 का स्क्वायर था. सो 1300 से बाद कौन सा नंबर का, 37 का स्क्वायर आएगा, 37 का. अब बताओ 37 का स्क्वायर कितना आ रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 37. 37 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 1369 आ रहा है. एक बार चेक करके बताओ सब, इसने 1369 लिखा है पक्का. दो लोग और वेरीफाई करके बताओ, दो लोग कॉपी मत करो, वेरीफाई करके बताओ. ठीक है, 1369, चलो मैं मान लेता हूँ 1369. ठीक है, 1369 है. तो इस, अब ये कितना कम है, 1300 1369 से कितना कम है. ठीक है, ये इससे 69 का डिफरेंस है. तो मतलब ये है कि मुझे परफेक्ट स्क्वायर में 1369 था, 1300 में मुझे 69 और ऐड करना पड़ेगा. क्वेश्चन में ही पूछा था लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर 69 है जो मुझको 1300 में ऐड करना है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. ठीक है बेटा, आई होप इट्स क्लियर.
और उसके बाद हमें वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर का 37, ठीक है, सो स्क्वायर रूट विल बी 37, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे हम, ठीक है, पहले आप निकालोगे रिमाइंडर 4 आएगा, तो आप लिखोगे नियरेस्ट स्क्वायर रूट लेस देन 1300 इज 1296, सॉरी नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज लेस देन 1300 इज 1296, कैसे आया, आपने रिमाइंडर को माइनस किया, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर था 36 का स्क्वायर था, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट वो होल नंबर का स्क्वायर कितना हुआ 37 का स्क्वायर, वो आपने देखा 1369, ठीक है, तो वो आपको 1300 में ऐड करना है फाइंड करने के लिए, क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है 1300 में ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 1300 के पास दो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, 1296 भी आ रहा है, 1369 भी आ रहा है, 1296 इससे छोटा है तो सब्ट्रैक्ट करना होता तब करते, तो ये नहीं होगा, हमको ऐड करने को पूछा गया कौन से नंबर को हम ऐड करें, तो जाहिर सी बात है ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो नंबर निकालने के लिए ऐड करने के लिए हम 1369 में से 1300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, रिमाइंडर आएगा 69, तो इसका मतलब है 69 को अपने को ऐड करना है, 1369 परफेक्ट स्क्वायर है, फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फिर आपको इसी मेथड से डिवीजन मेथड से पूरा स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, 1369 का स्क्वायर रूट निकालोगे यू विल गेट 37, आई होप इट्स क्लियर, एक बार नोटबुक का सामने लिख लिया इसको, हैज एवरीवन, मैं फिर से बताता हूं, 13 हमसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि 1300 में ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको मैं ऐड करूं, विच नंबर शुड आई एड टू 1300, लीस्ट नंबर की 1300 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो पहले आपने इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला, ठीक है, स्क्वायर रूट जब निकालने का आपने कोशिश की तो आपको रिमाइंडर मिल रहा था 4, यू गॉट 4 एज रिमाइंडर, ठीक है, आपको 4 रिमाइंडर मिला, तो आपने क्या किया, इसके सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखा कौन सा है, तो 1300 में से जब आपने 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1296 आया, और वो आपको मालूम पड़ ही गया होगा यहां से कि 36 का स्क्वायर है, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपका जो 36 का स्क्वायर है वो 1296 है, और 36 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नेक्स्ट होल नंबर इज 37, उसका स्क्वायर आपने निकाल के देखा 1369 आ रहा है, मतलब क्या है आपका 1300 जो क्वेश्चन में दिया गया है 1296 और 1369 के बीच में पड़ रहा है, ठीक है, इट इज कमिंग इन बिटवीन, तो हमें हमसे क्या पूछा गया है कि 1300 में कौन सा नंबर मैं ऐड करूं, विच मस्ट बी एडेड, ठीक है, अब इसमें तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1296 निकालने के लिए, जाहिर सी बात है नेक्स्ट इज 1369, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है 1369 में से 1300 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझको मालूम पड़ जाएगा कि मेरे को 69 को ऐड करना है इसको ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है, तो 69 ऐड करना है, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1369 हो जाएगा, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो स्क्वायर रूट तो आपको मालूम है कि 37 का स्क्वायर है तो 37 ही होगा, लेकिन आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड करना है, तो जैसे आपने डिवीजन मेथड से ये किया है वैसे ही 1369 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल गेट द आंसर, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, फाइन, ध्यान रखा करो पूरे उसका, चलो अब वैसे ही अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, आई एम इरेजिंग दिस थिंग, ओके, सो अगर मैं अब आपसे पूछूं व्हाट मस्ट बी एडेड टू 500, यहां की जगह अगर 1300 की जगह 500 है, व्हाट फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 500 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यस गिव मी द आंसर, ऐसे ही आप पहले 500 का स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करो, रिमाइंडर जो आएगा आपकी एक रेंज निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, नहीं इट्स 29 इज इनकरेक्ट, दोबारा करो, मैं इसीलिए कह रहा हूं जल्दीबाजी मत क्या करो, रट के बैठ जाते हो फिर वही आंसर बोलने लग जाते हो आप, आपने पहले कर रखा है तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 500, ऑब्वियस ही बात है 500 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे ये बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, आई वॉन्ट टू नो द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है
500 का जब आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हो, व्हाट डू यू गेट एज रिमाइंडर? 29 ही मिल रहा है. 2 2s are 4, 1. ये पूरा 100 गया. तुम लोग अभी भी गलती कर रहे हो बेटा, अभी भी गलती कर रहे हो. 16 अभी भी गलत आ रहा है. 2 plus 2 is 4. अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके पास ले जाऊंगा मैं? 42 को मैं करता हूं अगर, ठीक है, 42 2s are 84, ठीक है, तो और 43 3s are कितना आएगा? मेरे ख्याल से 129 आएगा. तो ये 3 तो यहां नहीं लिख सकता, मैं क्या करूंगा? 2 लिखूंगा. 2 2 84, रिमाइंडर आया 16 इज द रिमाइंडर. यस 16 आया था किसी बच्चे का, 16 किसी बच्चे का आया था. यस 16 वाज द रिमाइंडर, ठीक है. तो अब इसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट निकालो. स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 500 कितना हो जाएगा? 500 माइनस 16 कितना आया? 500 माइनस 16 कितना आ रहा है? 484 आ रहा है. इसका मतलब है, ये है कि 484 वो परफेक्ट स्क्वायर है जो 500 से छोटा है. और 484 किसका स्क्वायर, किस कौन से नंबर का स्क्वायर है? 484 इज अ स्क्वायर ऑफ विच नंबर? 22, ठीक है. अब देखो 500 से बड़ा अपने को परफेक्ट स्क्वायर देखना है. हमको मालूम पड़ गया कि 500 से जस्ट पहले 484 था जो कि परफेक्ट स्क्वायर था, और ये स्क्वायर था 22 का. तो 22 के बाद नेक्स्ट बार कौन सा नेचुरल नंबर आता है? विच नेचुरल नंबर कम्स आफ्टर? ओके 23, ठीक है. 23 का स्क्वायर कितना है? 23 का स्क्वायर 529 इज द स्क्वायर ऑफ 23, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? मुझे 500 में कितना ऐड करना है? हाउ मच शुड आई ऐड इन 500? 29, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? ओके, तो ऐसे आप लोगों को करना है क्वेश्चन, ठीक है. अब एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, ठीक है. किसी ने शुरुआत में 29 आंसर बोला था, शुरुआत में 29 आया था, कार्तिक का आया था, ठीक है. तो ऐसे ही आप बना सकते हो, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ. आई एम इरेजिंग दिस थिंग. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अपने को ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है. तो पहले मुझे बताओ चैट में विच इज द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब नहीं है. सबसे बड़ा 4-डिजिट नंबर क्या है? 9999, ठीक है. सो 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर, ठीक है. अब आप लोग क्या करो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कुछ वैसे ही करोगे इसको, ठीक है. फाइंड इट स्क्वायर रूट, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है. यस, ठीक है. फाइंड आउट रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं. कुछ सी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट में कुछ रिमाइंडर आएगा. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है. तो जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, मान लो जो भी नंबर, फॉर एग्जांपल ये जो भी नंबर रिमाइंडर आ रहा है x मान रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 999 में से इसको माइनस कर दूंगा रिमाइंडर को, तो जो भी नंबर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा. दैट इज द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है भाई. यू हैव टू डू इन दिस मैनर, दिस आई एम लीविंग टू यू, यू हैव टू डू दिस थिंग.